मैं बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव खैरा में मेरी पैदाइश हुई, पैदा हुआ मैं। मैंने जिस माहौल में जन्म हुआ मेरा, वहां मैंने आस पास में गरीबी को देखा, गरीबी में लोगों को रहते हुए देखा, उन बच्चों को देखा जो पढ़ने की उम्र ही में अपने कंधे पे झोला लटकाए हुए मुंबई गए, उन्होंने कमाना शुरू किया। तो मैंने महसूस किया कि क्यों ना इन लोगों की आवाज लगी जाए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। चंडीगढ़ में मुझे कि बहुत ही अच्छी सोच मिली वहां पे, कि अल्लाह उन्हें जन्नत दे कि सलामत रखे उन्हें, कि एक साहब थे मकतबा जामिया के, किताब की दुकान थी। मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे, महीने के बहुत ही लिमिटेड पैसे मिलते थे और किताबें बहुत महंगी थी। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मुझे यहाँ पे पढ़ने दें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो है रोज 2 घंटे आपको देंगे। तो मगरिब, ये शाम का जो वक्त होता था हमें खेलने के लिए मिलता था, उसी खेलने के टाइम में मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी खेलूं। भाई वो एक बचपना होता है, उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 12 से 13 साल के करीब। मैंने तकरीबन 3 साल वहां पे अपने खेलने के दौरान जाके लिटरेचर की किताबें पढ़ी, और वहां पे बहुत सारी मैंने नसीम मिजाजी को पढ़ा, इब्ने सफी को पढ़ा, इनायत अल्तमश को पढ़ा, उसके अलावा बुशरा एक शहर थी नावली शुरू, उनको पढ़ा। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, 24 साल का हूँ मैं। और एक बात आपको और बता दूं, जब मैं कई सारे मुशायरे शुरू में जाता था तो बहुत सारे होते हैं ना, जैसे प्रोग्राम के कारकुन होते हैं, मेंबर होते हैं, वो लोग स्टेज ही पे रोक लेते थे, भाई आप कहाँ यहाँ पे जा रहे हो, तो मैं बताता था नहीं, मैं भी शायर हूँ। उसके बाद वो लोग जाने देते थे। मैंने कि गजल लिखी है एकदम नई नस्लों के लिए, कि गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। गलत राहों पे जाने से ठहर जाते तो अच्छा था, किसी की याद में रोने से मर जाते तो अच्छा था। तुम्हें अपना समझ के तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, पड़ों की सरपरस्ती में संवर जाते तो अच्छा था। और ऊंचाई पर पहुंचकर मैं भी ये महसूस करता हूं, अगर तुम भी बुलंदी पर नजर आते तो अच्छा था, तुम्हारे कांधों पे इस मुल्क के फ्यूचर का जिम्मा है। नई नस्लों अगर तुम भी सुधर जाते तो अच्छा था, क्या बात है, नई नस्लों अगर तुम भी क्या सुधर बात जाते है। तो अच्छा था। इंशाल्लाह अब एमफिल और पीएचडी करने का इरादा है, तैयारी चल रही है, जेआरएफ की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ।